हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज लीनियस क्लासिफाइड टू किंगडम्स एज। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफाई करे थे उनका नाम क्या था। तो बच्चों, लीनियस ने दो किंगडम्स में डिवाइड करा था, उसका नाम था प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब इन दोनों ग्रुप्स में या इन दोनों किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड करा था, क्लासिफाई करा था। अब ये दोनों किस बेसिस पे डिवाइड हुए थे? ये दोनों डिवाइड हुए थे बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये कुछ ड्रॉबैक भी थे। लीनियस ने जब ये किंगडम सिस्टम दिया तो इसके ड्रॉबैक्स भी थे। पहला ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक ये था कि ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता किसी को भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या था? दूसरा था मल्टी सेलुलर और यूनि सेलुलर। तीसरा था फोटोसिंथेटिक। एंड नॉन फोटो। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे वो किस में देखने को मिले? आपके लीनियस के टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखने को। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लांटे और एनिमेलिया। तो सही बात है, लीनियस ने क्लासिफाई करा था दो किंगडम नेम्ड एज प्लांटे एंड एनिमेलिया। यहाँ पर प्लांटे एंड मोनेरा दिया है। तो बच्चों मोनेरा बहुत बाद में जो है वो ऐड हुआ था किंगडम में, तो ये भी गलत है। प्रोटिस्टा एंड फंजाई, तो प्रोटिस्टा एंड फंजाई भी नहीं होगा। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये दोनों नहीं होगा। करेक्ट आंसर की बात करूं बच्चों तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बच्चों, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।